हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिरेंद्र सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ABS Tech हिरेंद्र सोनी में। तो चूंकि दोस्तों हमारा जो लास्ट वीडियो था हमारा storenv.com का, storenv.com पे आप कैसे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कैसे AliExpress के सेल कर सकते हैं। अब मैंने आपको उसमें लास्ट में आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे टी शर्ट वगैरह और कस्टमाइज टी शर्ट और कस्टमाइज चीजें आप कैसे सेल कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं ट्यूटोरियल शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये एक ही प्रोडक्ट था उस टाइम भी, अभी भी एक ही प्रोडक्ट है और आप ये देख सकते हैं स्टोर भी सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। अभी हम आ गए हैं इसके डैशबोर्ड पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी ने डैशबोर्ड बना लिया होगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, इसके पहले वीडियो आया था वो, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपको स्टोर कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। तो आज मैं सिर्फ यही कवर करने वाला हूं कि आप कैसे प्रिंटफुल का यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में जाके क्लिक करना है। एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिखाई देंगे जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये प्रिंटफुल को किया, तो प्रिंटफुल को हम क्लिक करेंगे और क्रिएट एंड सेल प्रिंट प्रोडक्ट ऑन योर स्टोर एनवाई। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आपका स्टोर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ पे कनेक्ट योर स्टोर एनवाई स्टोर टू प्रिंटफुल, आपको कैसे कनेक्ट करना है ये सारी चीजें इन्होंने बताई हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑथराइज करना है। तो यहाँ पे हमने ऑथराइज पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑथराइज ऐप क्लिक किया और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनेबल हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऐड करना है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, एक प्रोडक्ट यहाँ पे सिंक दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पे बाकी प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड करते जाना है बस। तो आपको यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट चूज करना है। ये आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, ये टी शर्ट ली। अब आपको यहाँ पे रिव्यू चेक कर लेना है, रिव्यू किसके अच्छे हैं। तो जैसे इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं या इसके, कोई भी एक आप इनमें से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे टी शर्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छे रिव्यू हैं वो ऊपर वाले टी शर्ट के ही हैं। ये इनकी फिर भी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक पे कंसंट्रेट करें, फिलहाल के लिए हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो बस आपको यहाँ पे एक कोई भी डिजाइन लगानी है, डिजाइन आपकी खुद की होनी चाहिए, आप चाहे लिखिए चाहे कुछ भी कीजिए। और आपको ये बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल एबीएस कार्ड लिखा, एबीएस कार्ड कूपन्स, तो ये एक यहाँ पे शो हो गया। आप इसको छोटा बड़ा, आपको इसका साइज का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहाँ जा रहा है कैसे नहीं हो रहा है। और ये साइजेस आप पूरी कर सकते हैं, यहाँ पे आप पूरे इनके फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट आपको जो समझ में आता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉन्ट के साथ में ये ध्यान रखना है कि ये कटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। और इसके बाद आप चाह रहे हैं कि इसमें आपको क्लिप आर्ट भी देनी है, तो आप यहाँ पे जाके क्लिप आर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लिप आर्ट भी आपको मिल जाएंगी। तो जैसे कि फिलहाल हम ये वाली क्लिप आर्ट यूज, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक क्लिप आर्ट भी आ गई और ये आपका एक एरिया भी आ गया। तो आप इस क्लिप आर्ट को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और आप ये देखिए, अभी के अभी 2 मिनट में एक आपकी टी शर्ट बन गई। ये तो अभी मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है कि, तो ये मैंने सिर्फ ऐसे जस्ट नाम लिख दिया है। आप इसके जगह पे कुछ भी एक टाइप कर दीजिए, आई एम नॉट अ मंकी। तो देखिए, अभी मैंने एक ये थोड़ा सा फ्रेश चेंज कर दिया है, आई एम नॉट अ मंकी, अब ये एक टी शर्ट बन गई है, ठीक है। अब बस आपको इसको सेव करना है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू मॉक का, और बस आपको यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना है ये आपने सिलेक्ट किया।
अब आपको यहाँ पे कलर्स भी अगर चेक करने हैं तो आप यहाँ से कलर्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ये कलर इसमें अवेलेबल है, तो थोड़ा ये टेक्स्ट वगैरह का ध्यान रखें आप कि टेक्स्ट आपके विजिबल हैं या नहीं है, वरना आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन कलर्स हो गए हैं क्योंकि इसमें तीन कलर्स है। अब आपको जेपीईजी में इसको सेव करना है या पीएनजी में, तो आप जेपीईजी में भी कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा लोड नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप पीएनजी भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको प्रोसेस किया, बस अब आपका यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह रहेगा वो डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, और आपका सारी चीजें कंप्लीट है। यहाँ पे बस आपको आई एम नॉट अ मंकी शॉर्ट स्लीव यूनिसेक्स टी शर्ट, ये आपकी 2 मिनट में एक टी शर्ट बन गई। आप ये देख सकते हैं, ऐसे ही आपको फ्रेशेस चूज करना है और आपको बनाते जाना है। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट टू प्राइसिंग किया हमने, अब यहाँ पे आपको खुद के प्राइस चूज करना है कि कितने परसेंट आपको, जैसे ये आपका बेस प्राइस है, ये आपका बेस प्राइस है, अब आपको यहाँ पे 30% 40% जो भी आप यहाँ पे लेना चाहें उतनी आपको पर प्रोडक्ट यहाँ पे अर्निंग होगी, ये आपको अर्निंग भी शो करेगा। ठीक है, फिर आप जैसे यहाँ पे सबमिट टू प्रोडक्ट करेंगे, ये आपका जाके, ये देखिए मैं इसको सबमिट टू प्रोडक्ट में अभी करता हूं, और ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे आके शो होना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये अभी हो गया है, अपना कंप्लीट हो गया है, और अभी चलिए मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा दिया करता हूं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आया है या नहीं आया है, सारे वेरिएशन आए होंगे। ये देखिए आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको 1 मिनट लगा है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे सारी चीजें खुद ब खुद आ गई हैं, शॉपिंग फैक्ट्स सभी चीजें यहाँ खुद आ गई हैं, 2 मिनट में एक टी शर्ट, यहाँ पे इसके वेरिएशंस वगैरह सब आ गए हैं, आप ये देख सकते हैं, तीन वेरिएशंस थे तो तीनों आ गए हैं, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे व्हाइट स्मॉल ये सारे वेरिएशंस इन्होंने, अब इसके हिसाब से इनके प्राइस भी यहाँ पे आपके घटते बढ़ते रहेंगे, जो भी इनका प्राइस रहेगा, ये देखिए $18 हो गया, तो इस टाइप से इसके प्राइस भी खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा तरीका था जो आप फॉलो करेंगे तो मैं बता रहा हूं कि आप अच्छी खासी करने अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है, आप फ्री में 500 प्रोडक्ट डाल सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज की जरूरत है, वो है क्रिएटिविटी। आप कैसे कोई इमेज बना सकते हैं, अगर आप इमेज नहीं बना सकते अच्छे अच्छे टेक्स्ट बनाइए, जैसे अब मैंने तो अभी ये कुछ सोचा नहीं है, बस मुझे मंकी दिखाई दिया इसलिए मैंने लिख दिया आई एम नॉट अ मंकी, और ऐसी ही टी शर्ट चलती भी हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीजों का ध्यान रखना है और आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए दोस्तों इतना ही, अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है, यहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या बेस्ट है। यहाँ पे देखिए आपको कस्टम डोमेन अगर चाहिए तो यहाँ पे $5 पर मंथ देना पड़ेगा, तो अभी आपको कस्टम डोमेन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, और अभी आपके जो ये जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं कस्टम, आपका जो एक ये है और इसके साथ में एक और आपका मार्केट प्लेस वाला, ये दोनों जगह पे आपके प्रोडक्ट रहेंगे तो आपकी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग होने के ज्यादा से ज्यादा चांस हैं। यहाँ पे देखिए आप कि 2 प्रोडक्ट आ गए हैं हमारे, इसी टाइप से आप यहाँ पे बस बनाते जाइए और यहाँ पे वो खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको फिर से बनाना है, फिर से एड न्यू प्रोडक्ट करना है, अब आप देखिए यहाँ पे आप क्या क्या बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए टी शर्ट बना सकते हैं, टॉप टैंक सारी चीजें बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी टी शर्ट बना सकते हैं, हुडी स्वीट शर्ट्स, और वो वुमेन्स के लिए भी यही सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो इनके स्कर्ट है, ड्रेस है, स्विम वियर है, स्पोर्ट्स ब्रा है, सारी चीजें यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद किड्स की भी टी शर्ट्स वगैरह है, टॉप टैंक सारी चीजें अवेलेबल है, एसेसरीज में भी देखिए यहाँ पे हैट्स हैं, बैग्स हैं, और फोन केसेस हैं, आप फोन केसेस भी दे सकते हैं, बैग्स दे सकते हैं, हेड्स दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज है कि आपकी क्रिएटिविटी काम आएगी। फिर उसके बाद आता है लिविंग में, देखिए यहाँ पे एप्रोन्स है, कॉफी मग है, पिलो कवर्स है, वॉल आर्ट है, और बीच टॉवल्स हैं। ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं
कि आपका 1-2 हजार प्रोडक्ट आसानी से बन जाएंगे। और अगर आपको ज्यादा अच्छा काम करना है तो आप एक सेट बनाइए, आप कोई किसी भी एक प्रोडक्ट का सेट बनाइए, या तो आप कपल के लिए 2 एक टी शर्ट बनाइए, क्वीन की और किंग की, ठीक है, परफेक्ट वाइफ परफेक्ट हस्बैंड इस टाइप से बना सकते हैं, और पूरी फैमिली की बना सकते हैं, परफेक्ट हस्बैंड परफेक्ट वाइफ परफेक्ट बेबी परफेक्ट किड, ऐसे करके 4 लोगों की आप टी शर्ट बना सकते हैं, 5 लोगों की बना सकते हैं, 3 लोगों की बना सकते हैं, इस टाइप से आप टी शर्ट बना सकते हैं, ठीक है। और आप उनका एक सेट बना के पोस्ट कर दीजिए कि आपको ये चीज मिलेगी, ये भी है आपके पास एक ऑप्शन है। और आप चाहें तो जैसे आपने टी शर्ट बनाई है उसी टाइप का आप कुछ और भी बना सकते हैं, उसी टाइप की हुडीज बना सकते हैं। यहां पे आपको जरूरी नहीं है एक ही टाइप के कस्टमर मिलेंगे, कस्टमर आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको शो कर दी हैं, मेरे ख्याल से नहीं लगता मुझे कि इससे ज्यादा कुछ बचा है। वैसे भी मैं इससे पहले भी मैं आपको एक बार बता चुका हूं यहाँ पे कि आपके कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप कर सकते थे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने हमारे चैनल ABS टेक अनंत भैया सोनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।